एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं। अब इन तमाम रिकॉर्ड्स की त्रासदी यह है कि इन्हें किसी रिकॉर्ड बुक में दर्ज नहीं किया जा रहा है। टीवी चैनल्स की कृपा है, इन्हें कवरेज मिल जाती है, मगर सवाल यह कि रिकॉर्ड बनाना तो ठीक, क्या इन्हें इतनी कम उम्र में इस होड़ में झोंक देना सही होगा? रिकॉर्ड बनाने की यह होड़ इंडिया के रिकॉर्ड। जी हां, 15 मिनट की उस शोहरत के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है और इसीलिए उसके दिमाग में पैदा हो जाता है एक जुनून और इसीलिए रिकॉर्ड घंटे दर घंटे आगे बढ़ रहे हैं और कुछ रिकॉर्ड पीछे छूटते जा रहे हैं और साथ ही वो लोग भी जिन्होंने इसे पहले कायम किया था। आकांक्षा जाचक की आवाज से इंदौर का गांधी हॉल 61 घंटों तक गूंजता रहा। 16 साल की इस लड़की ने यहां एक रिकॉर्ड बनाया। आकांक्षा को तब उम्मीद थी कि इससे उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा एक रिकॉर्ड बनाया जाए जिससे पुराने गीत भी लोगों को याद रहे और मेरा रिकॉर्ड भी बन जाए। आकांक्षा 7 साल से लंबे समय तक लगातार गाते रहने का कारनामा दिखा रही है। पिछले महीने उन्होंने लगातार 61 घंटे तक गाने गाए लेकिन उनका रिकॉर्ड सिर्फ 9 दिन कायम रह सका और इस तरह रिकॉर्ड बुक में अपना नाम रखने का सपना भी दूर हो गया। 4 साल की उम्र से गा रही आकांक्षा देश भर में करीब 1400 जगहों पर कार्यक्रम पेश कर चुकी है और इस अभियान के पीछे आकांक्षा के माता पिता की अपनी महत्वाकांक्षाएं रही है। उसका उत्साह देख के हम लोगों को प्रेरणा मिल रही है कि वो हमको बोल रही कोई डरने की बात नहीं, मैं तो आराम से गा जाऊंगी। यानी हमें भी ताज्जुब होता है कि, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि वो गा लेगी। इंदौर में आकांक्षा का मनोबल बढ़ाने के लिए कोई नामी गिरामी हस्ती नहीं आई लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसका जरूर साथ दिया। इंदौर से हेमंत शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। तो इंदौर की आदिति गुप्ता लगातार 85